हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आ गई है हमारी हायाबुसा में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी, और आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअली इसमें क्या दिक्कत आई है। इसमें दिक्कत आई है एक तो ये देखिए गाइस, ये जंग लग गया इस पर, और अभी लिए इसको आई थिंक 4 महीने हो गए, सिर्फ 4 महीने में इसको जंग लग गया। और इसका हुआ था एक छोटा सा एक्सीडेंट, तो ये अगला मरगाड़ इसका हो गया थोड़ा ऊपर। ये देखिए आप, बिल्कुल टच होने को है इसमें, इवन कहीं हल्के से गड्ढे में जाता है तो भी टच हो जाता है बार बार। और तीसरी दिक्कत है इसमें ये, आवाज़ आप लोगों को सुनी रही है क्या हो रहा है क्या नहीं। और चौथी दिक्कत है ये हटाएं पहले इसमें, ये जूते रखे हैं मेरे, इसको गिरो साइड में, ये ख़राब हो गया। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसका लॉक ही नहीं लग रहा, ये है इसका लॉक जो ख़राब हो चुका है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और ये नहीं लग रहा इसमें बार बार। तो हम जाने वाले थे एक्चुअली एजेंसी में इसका क्लेम कराने, लेकिन आज पता लगा कि एजेंसी में हमारा जो फ्रेंड है वो नहीं आया, तो इसलिए अभी बात की है, तो एजेंसी में शायद कल जाएं। आज अभी छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं जो इससे होने वाले हैं। बाकी गाइस बुरा बहुत लग रहा है कि एक नवी चीज ली हुई 3-4 महीने में उसकी ये हालत हो गई है, और समझ नहीं आ रहा क्या करें। कैसा लगता है गाइस नवी चीज़ ख़राब होने पे? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है यार, पता नहीं एक्चुअली नवी चीज़ क्यों लेते हैं, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। गंदी भी हो रखी है, इसकी सर्विस भी होने वाली हो रही है, कितनी चल गई है? 3,711 किलोमीटर चलाई तो मैंने बहुत है। खैर ये हटेगा तो ये स्टिकर भी हटेंगे इससे, ये नवा लगेगा, और ये नवा लगेगा तो हमें स्टिकर भी नए लगाने पड़ेंगे। कुछ आइडिया दीजिए गाइस, क्या स्टिकर लगाएं अगली बार इस पर? एक्चुअली ये विजिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटा लग गया एक्चुअली, और यहाँ साइड में ये है, ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये भी छोटा लग रहा है, लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल जब इसको लेके जाएंगे एजेंसी में, फिर बताते हैं आपको आगे का प्रोसीजर क्या रहा कैसा रहा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। चलो द्वारकापुरी, आज का पहला काम छुट्टी का दिन, हम जा रहे हैं अपनी आंटी के पास जो हो रही है थोड़ी सी बीमार, और उनको देखने जा रहे हैं। और ये महामारी, इनको तो छुट्टी का बहाना चाहिए होता है कहीं ना कहीं फिरने का। क्या ठीक है, आज का दिन हम इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि आज सही काम पे जा रहे हैं। चलो गाइस, इतनी कड़कती धूप हो रखी है, ये देखिए गाइस कहाँ पे, ये देखिए नजर भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं, धूप बहुत कड़कती हुई है। अभी जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, चश्मा घर रह गया मम्मी लेने के, ये देखिए कितना दूर खड़ा हो रहा है, वो देखिए पीछे घर है ना, पहला घर वो हमारा है। नहीं मेरे लवली बेकरी वाले सब्सक्राइबर भैया, हम गए थे उसके सामने से, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए अगर आप सुन रहे हो तो, ताकि मैं जब भी आऊँ आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं मैसेज करूँ कहीं पर मेरे पास कुछ है ही नहीं प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मैसेज कर सकूँ। और मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, चश्मा ले गए, चश्मा खुद ही पहन के आ गया है, शाबाश। चला लो फिर, चला लो एक्टिवा ना, मम्मी को साइकिल भी नहीं चलानी आती, एक्टिवा चलाएगी, बैठ गई। हाँ। चलो